महानगर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस व आरटीओ जी जान से मेहनत कर रही है, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि सभी नागरिकों को बार बार सूचित किया जा रहा है कि बाएं लेन को खाली रखें, जिससे एम्बुलेंस व इमरजेंसी कार्य पर जाने वाले लोगों के लिए सुविधा होगी। बाएं लेन पर कोई रास्ता रोकता है तो उसके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। आईटीएमएस के माध्यम से अनाउंस करके सभी को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग रेड सिग्नल का पालन करें तथा बाएं लेन को हमेशा खाली रखें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, सभी नागरिकों से ये अनुरोध करते हैं कि चौराहा क्रॉस करते समय बाईं लेन को खुला रखें। हमेशा जब भी रेड सिग्नल हो तो बाईं लेन को खुला रखें, इससे बाईं तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए तथा एम्बुलेंस के लिए अथवा अन्य इमरजेंसी वाहनों के लिए निकलने में सुविधा होती है। और बाईं लेन का पालन ना करने पर अथवा एम्बुलेंस या इमरजेंसी वाहन का रास्ता रोकने पर 10,000 रुपये का जुर्माना उन पर लगाया जाएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी गोरखपुर वासियों से अनुरोध करता हूं कि रेड सिग्नल के दौरान कृपया करके बाएं लेन के लिए खुला रखें। इस संबंध में मेरे द्वारा आईटीएमएस के माध्यम से लगातार अनाउंस करके सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है तथा हमारे ट्रैफिक के कर्मी भी ड्यूटी के दौरान सभी के लिए डायरेक्शन भी देते हैं बाएं लेन खाली करने के लिए, और समय समय पर अपने हैंड हेल्ड माइक के द्वारा अनाउंस करके भी सभी नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि कृपया बाएं लेन को खाली रखें, जिससे शहर के लिए यातायात व्यवस्था सुचारू और अच्छे ढंग से चलती रहे।